Thank you. अबीम्कम क्या हाल है उम्मीद है कि सब के सब खैरियत से होंगे खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे और रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे तो जी क्या चल रहा है आपके आस पास हमारे आस पास तो वही बर्फ़ है और वही मज़ेदार किस्म का मौसम यहाँ पर जो है वह स्प्रिंग ब्रेक थी तो एक हफ़्ते के लिए बच्चे घर पे थे और वो एक हफ़्ता इस कदर मसरूफ़ गुज़रा कि मैं आपको क्या बताऊँ कुछ ना कुछ रोज़ रोज़ चलता ही रहा और बीच में थोड़ा बहुत जो है वो तबियत ख़राबी का तड़का भी लगा ये तो होता ही है कि जब आप रिलैक्स हो जाएं घर में सुकून से बैठे हों तो उस दिन तो आपने बीमार हो नहीं है तो जी दो दिन जो हैं वो तबियत ख़राबी में गुजर गए और उसके बाद के दो दिन रिकवरी में गुजर गए और साथ में आपको पता है खाना पीना तो चलता ही रहता है यहाँ पे बना रही हूँ मैं बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी जो कि बहुत थोड़े गोश्त में बन जाती है मेरे पास टोटल हाफ के जी बोनलेस बीफ था उसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स काट लिया और उसको लहसुन अदरक के साथ बॉईल कर लिया बस इतना ही मैंने काम किया है अब मेरे पास बॉयल्ड बीफ है और साथ में थोड़ा सा बचा हुआ स्टॉक है अगर मुझे पकाने में ज़रूरत पड़ी तो मैं इस्तेमाल करूँगी उसके अलावा मेरे पास सारे जो बेसिक मसाले हैं वो हैं जो आपको सामने टिकर पर नज़र आ रहे हैं और टोमेटो है तो जी चलें स्टार्ट करते हैं अच्छा मैं अपनी ना पेंट्री की सफ़ाई कर रही थी तो वहाँ पे मुझे ये तवा मिला तो मैं बड़ी खुश हुई कि इतना नया ब्रांड न्यू तवा है मेरे पास और मैं इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करती हुई? और मैं इतना पुराना सा तवा क्यों इस्तेमाल करती रहती हूँ तो बस फिर मैंने सोचा कि आज जो तवा कढ़ाई बनाई जाए वो इसी के ऊपर बनाई जाए और क्यों ना इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें आपके साथ कभी ऐसा होता है कि कब्ड खोलें तो सोचें आए ये सूट इतने अरसे से क्यों नहीं पहना या ये पर्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया या ये चप्पल क्यों नहीं पहनती मैं तो इसी तरह से बर्तनों के साथ भी होता है कि ये बर्तन क्यों नहीं इस्तेमाल किया इतने दिनों से तो जी इसमें मैंने डाल दिया है ब्राउन प्याज और उसके साथ ये सारे मसाले शामिल कर दिए हैं अब अब जो है वो इसका बस और पकाने का काम है मैंने हाई फ्लेम कर दिया था इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक टोमेटो जो है वो अच्छी तरह से घुल ना जाए सॉफ़्ट ना हो जाए और कोशिश करें बीच में इसको क्रश कर लें और जी ये मेरा टोमेटो पेस्ट मेरा फेवरेट अगर आपके पास है तो जरूर डालें नहीं है तो कोई बात नहीं इससे जो है वो सालन ज़रा ज़्यादा लाल हो जाता है इसके अलावा टेस्ट में तो मेरा ख्याल कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम फ्रेश टोमेटो अच्छे खासे इस्तेमाल कर रहे हैं तो टमाटर को जब हमने अच्छी तरह से जो है वो मैश कर लिया तो इसके अंदर उबला हुआ बीफ डाल देंगे अच्छा अब जब मैंने इस तवे पर पकाना स्टार्ट किया तो उगदा खुला कि मैं ऐसे क्यों नहीं इस्तेमाल करती थी यहाँ पर हमारे सारे चूल्हे जो हैं वो बिल्कुल फ़्लैट हैं और ये तवा जो है वो दुबई स्टाइल गोल है नीचे से क्योंकि दुबई में मेरे पास जो है वो चूल्हे गैस वाले चूल्हे थे तो उस पर यह फिक्स बैठता था, था यानी कि पाकिस्तानी हिसाब चूल्हे तो यहाँ पे ये सही बैठता ही नहीं अब आप देखिए कि इस हिसाब से वो डांस कर रहा है तवा कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब जो भी मैं पका रही हूँ तो तवा यहाँ से वहाँ घूम जाता है तब मुझे एहसास हुआ कि इस बेचारे को इसलिए मैंने रिटायर करके रखा हुआ है यानी कि नौकरी करने से पहले ही रिटायर्ड थे क्योंकि मौसू जो है वो अपना काम प्रॉपर अंजाम ही नहीं दे सकते बहरहाल कुछ भी करके जो है वो हमने पका ही लिया तो जी तवा बीफ जो है वो पकाना बड़ा आसान है अगर बीफ पहले से बॉयल्ड हो आपने टोमेटो को अच्छी तरह से गलाया उसमें बीफ डाला उसे अच्छी तरह से पकाया उसके बाद थोड़ा सा चम्मच की मदद से मैश कर लिया ऊपर से धनिया पुदीना हरी मिर्चें और लेमन जूस डाल दिया और मैंने थोड़ी सी कलरफुल कैप्सिकम भी डाल दी तो ज़बरदस्त किस्म का तवा बीफ तैयार हो गया है उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो जी ये तो था हमारा लंच और मेरे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक ना नफसियाती तौर पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था कि ओहो भाई सारी दुनिया रमज़ान की इस कदर तैयारी कर रही है इस तरह सफाइयों के काम चल रहे हैं और मेरे पास ऐसी सफाई क्यों नहीं हो रही अब सफाई करने का दिल तो चाह रहा था मगर खुद करने को नहीं चाह रहा था तो फिर बेचारी जो बच्चियाँ हैं उनको मैंने काबू किया मैंने कहा आप लोग कब सीखेंगी फ्रिज साफ करना तो उन बेचारों से जो है वो मैंने फ़्रिज साफ़ करवाया मैंने कहा कुछ तो आए इनको तो अब आप देख लीजिए कि वैसे अलहमदिल्ला फ्रिज इतना गंदा नहीं था साफ़ ही था मैंने कहा कि आप लोग जो है फ्रिज का डोर साफ करें सारी बॉटल्स को क्लीन करें सारे रैक्स को धोएं उसके बाद उसे वाइप करके ड्राई करके जगह पर लगाएँ और आप स्ट्रगल देखें कितनी मुश्किल से लगाया जा रहा है लेकिन अलहमदिल्ला आजकल के बच्चे इतने स्याने हैं कि सारे काम कर ही लेते हैं तो अलहमदिल्ला आप यकीन करें दोनों ने मिलकर काम किया तो पंद्रह मिनट में जो है वो पूरा फ्रिज का डोर साफ़ सुथरा करके उन्होंने मेरे सामने पेश कर दिया मैं इतनी खुश हुई तो हमें अपने बच्चों पर ट्रस्ट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो जी जितने टाइम में फ्रिज साफ़ हो रहा था मैंने दो तरह की मैरिनेशन बना दी एक तो मैंने बनाई समोसों की मैरिनेशन इसमें एक किलो कीमा है इसमें मैंने धनिया पाउडर ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट लाल मिर्च और चिकन तिक्का मसाले का फुल पैकेट ये मैंने डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख दिया कम से कम दो से तीन घंटे के लिए जो है वो मैं कीमे को मैरिनेट करूँगी ठीक है जी उसके बाद आ गया चिकन चिकन के मैंने बहुत छोटे छोटे से पीसेस काटने है। इसमें मैंने नमक काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है उसके अलावा इसमें मैं वोस्ट सॉस सोया सॉस थोड़ा सिरका चिली सॉस यानी कि जो भी सॉस आपको पसंद है वो सारे के सारे आप इसमें डाल दें बस कोशिश करें कि इसकी सीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग रखें क्योंकि स्प्रिंग रोल में जो है वो बाद में वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं तो अगर आप चिकन की सीजनिंग ज़रा स्ट्रांग रखेंगे तो उस टाइम पर आपको सीजनिंग को बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा तो जी बस यहाँ पे जो है वो जब तक चिकन को हम हल्की आंच पे पकाने रखते हैं और साथ में जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया बीफ को भूनना ये बन रही है बिरयानी और बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है और साथ साथ जो है वो हमारा चिकन वो भी पक रहा है और आप देख लीजिए कि वो अपने पानी में ही गलेगा मैं इसके अंदर कोई पानी नहीं डालूंगी और इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि अच्छी तरह से टेंडर ना हो जाए तो जी बस यहाँ पे प्रेशर कुकर में जो है वो बिरयानी का बीफ गल रहा है यहाँ पे चावलों के लिए पानी बॉईल हो रहा है इसमें मैं चावल बॉईल कर लूँगी जब तक वहाँ पे चिकन वो बीफ का पूरा मसाला तैयार हो जाएगा चावल भी अच्छी तरह से उबल जाएंगे और फिर हम बिरयानी को दम लगा देंगे और आप देखिए कि किस तरह से 10 सेकंड में मैंने आपके सामने बिरयानी तैयार की अब ये वीडियो देखते हुए मैं सोच रही थी कि काश एक्चुअल भी ये बिरयानी इतनी ही जल्दी तैयार हुई होती तो जी वहाँ पर जो है वो चिकन बहुत अच्छा गल गया है और उसको मैंने जो है वो चम्मच की मदद से अच्छी तरह से क्रश कर लिया इसके अंदर जो है वो मैंने डाल दी है कैबेज और फिर ये मिक्स वेजिटेबल्स का मेरे पास पैकेट था आप चाहें तो गाजर को या कोई और सी सब्जियों को कद्दूकश करके इसमें शामिल कर सकते हैं रेड कैबेज भी है इसके अंदर इसको मैं तेज़ आंच पे आप बस भून लूँगी इस तरह से कि वेजिटेबल्स जो है ना वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहे क्योंकि वैसे भी ठंडे होने के बाद जो है ना ये काफ़ी जुड़ी सी हो जाती हैं अगर लगता है आपको कि इन्होंने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है तो इसके ऊपर ड्राई कॉनफ्लावर छिड़के और साथ साथ जल्दी जल्दी से मिक्स करते जाएं तो जितना एक्स्ट्रा पानी है वो खुद ब खुद जो है वो ग़ायब हो जाएगा कॉर्नफ्लावर उसको अब्सॉब कर लेगा और बड़ी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी अब जब तक जो है वो चिकन की फिलिंग ठंडी हो रही है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शामी कबाब का काम और शामी कबाब मैंने बड़े नॉर्मल तरीके से बनाए हैं नमक मिर्च हल्दी और सारे खड़े गरम मसाले डाल के मैंने पीस लिए क्योंकि बच्चे मुंह में चीज़ें आए तो पसंद नहीं करते और दाल है चिकन है उसके अलावा मैंने इसके अंदर डाला सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची अब उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है और ये सारे काम करते करते डेढ़ से दो घंटे हो गए थे तो मैंने दूसरे चूल्हे पे कीमा भी रख दिया अब साथ साथ ही सारे काम करते जाने चाहिए ताकि आप जो है ना वो एक ही दफ़ा दो घंटे लगा लें किचन में और अपने दो सौ काम निपटा के बाहर निकलें तो अब आप देख लीजिए बिरयानी को भी ज़बरदस्त किस्म का दम आ गया था यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो कबाबों का मसाला भी तैयार है बिल्कुल ड्राई हो गया है इसमें से अब सिनेमन स्टिक्स और इलाइचियाँ मैं बाहर निकाल लूँगी कीमा आप देख लें मैंने बिल्कुल सुखा लिया है मैंने कीमे में ज़रा सा भी पानी नहीं डाला इवन मैंने इसके अंदर एक कतरा तेल भी नहीं डाला बस उन्हीं मसालों के मैरिनेटेड हालत में जो है वो मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया था मीडियम आँच पे और इसने खुद ही पानी रिलीज़ किया और ख़ुद ही ये कुक हो गया पिछले तीन चार सालों से हमारे घर में रेगुलर समोसे नहीं खाए जाते हम बनाते हैं तंदूरी समोसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में ज़रूर दे दूंगी पहले भी शेयर किया है मैंने कीमा जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए बिल्कुल उसमें पानी ना हो तो आपने धुआं दे देना है मुकम्मल ठंडा होने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है अगर एक किलो कीमा है तो कम अज़ कम इसके अंदर सात ग्राम प्याज आप डालेंगे ऑमलेट स्टाइल में ठीक है वैसा ही कटा हुआ होना चाहिए अब ये कीमे का बैटर तैयार है यहाँ पे जो है वो शामी कबाब का मसाला ठंडा हो गया है तो अब मैं उसको पीस लूँगी उसको चॉप करने के बाद उसके अंदर आप देख लीजिए धनिया हरी मिर्चें प्याज़ और दो अंडे डाले हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो अब आपका शामी कबाब का बैटर भी बिल्कुल तैयार है तो अब चलते हैं रेस्ट करने और जी ये आ गया है नया दिन नई सुबह नए कामों के साथ नाश्ता करके फारग हो गए हैं घर के तमाम खानों से और चीज़ों से हम बिल्कुल फ़्री हैं क्योंकि एक दिन पहले मैंने जो है वो बीफ की कढ़ाई भी बना ली थी और बिरयानी भी बना ली थी अब मैं बिल्कुल पूरा दिन फ्री हूँ बहुत सारा काम निपटाने के लिए हमेशा अपने काम को प्लान कीजिए प्लीज़ ऐसा नहीं कि एक साथ ही जो है वो बहुत सारे काम रखें कि अब आप आपने ये सब भी करना है और उसके बाद जो है वो खाना भी पकाना है नहीं ये सब नहीं हो सकता एक दिन पहले जो है वो सब चीज़ों को प्लान किया करें ताकि आप कम थकें और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें तो यहाँ पर हम बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स और आपने देख लिया कि मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया अमूमन पहला रोल पहला समोसा बहुत ही इंटरनेशनल शक्ल का होता है कभी भी अच्छा नहीं बनता लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले रोल ने तो इज़्ज़त रख ली लेकिन पहला समोसा ज़रूर मुझे शर्मिंदा करेगा तो जी इस तरह से जो है वो हम बना लेंगे सारे रोल और अब स्टार्ट करते हैं अपने समोसे और समोसे जो है ना उसके लिए मैंने अलग से पट्टियाँ नहीं ख़रीदी थी मैंने स्प्रिंग रोल की ही पट्टी खरीदी बड़े साइज़ वाली और उसको जो है वो मैंने तीन पार्ट में उसका निशान लगा लिया और उसके बाद छुरी की मदद से काट दिया तो अब आप ये देखें कि थर्टी पट्टियाँ थी और इसमें से मैंने नाइन्टी समोसे बना लिए है ना मज़ेदार बात आप चाहें तो समोसे की पट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो घर में भी समोसे की पट्टी बना सकते हैं आपने करना ही क्या होता है मैदे में नमक और थोड़ा सा अजवाइन और तेल डाल के अच्छी तरह से टाइट सा उसे गून लेना होता है और उसके बाद उसकी रोटियां बना के बस हाफ वे काटे रोटी को और समोसा बना के भर भर के रखते जाइए तो आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं इतने ज़्यादा काम के साथ जो है ना वो ये काम नहीं करती मैं अमूमन स्टोर पॉट पट्टियाँ ही इस्तेमाल करती हूँ और ये देख लीजिए कीमा फ्रिज में रख दिया था तो वो कैसा हो गया है तो आप स्टार्ट करते हैं समोसा बनाने के लिए और मेरे पहले समोसे को आपने बिल्कुल जज नहीं करना क्योंकि पहला दूसरा तीसरा सारे समोसे अजीब ही होते हैं लेकिन बहरहाल खाने में मज़ेदार होते हैं तो जी बस यहाँ पे जो है वो मैं खड़े होके समोसे बना रही थी और फिर एकदम से मैंने रियलाइज़ किया कि यानी कि अब मुझे इतने सारे रोल भी बनाने हैं समोसे भी बनाने हैं और शामी कबाब भी बनाने हैं तो मतलब मैं तो आज सारा दिन ये काम ही करती रहूँगी तो बस फिर बेचारी मेरी बच्चियाँ मैंने कहा आओ कल फ्रिज धोना सीखा था आज समोसे और रोल बनाने सीखो तो मैं आपको क्या बताऊँ कि समोसों का क्या हशर हुआ बस वो तो मैं आपको दिखा ही नहीं सकती कि कोई बच्चा जो है वो नॉर्मल समोसा नहीं बना सका तो समोसा बनाना तो मेरे ही जिम्मे आया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है देखें आप बच्चों को साथ में लगाएं तो कुछ ना कुछ तो आपकी हेल्प हो ही जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आज के दिन को रिकॉर्ड करूंगी हिस्ट्री में जो है वो इसका नाम लिखा जाएगा कि आज मेरे बच्चों ने जो है वो टेढ़े मेढ़े नीले पीले हरे काले हर तरह के रोल समोसे बना के जो है वो मेरे सामने धरे लेकिन चलें इसी तरह से सीखेंगी बहुत सारी चीज़ें हमें सही करनी पड़ी लेकिन अब आप यहाँ पर हमारी असेंबली लाइन चेक ही कर सकते हैं कि कुछ लोग प्रो हो गए हैं और बड़े अच्छे तरीके से रोल बना रहे हैं और कुछ लोग जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे फोल्ड किया जाए तो ये लाइफ के बड़े मज़ेदार से एक्सपीरियंस हैं इन ताला इनको हमेशा याद रहेंगे और जी रोल समोसों को कोशिश करें बनाते हुए बिल्कुल कवर रखें ताकि ड्राई ना हो और यहाँ पे हमने खाली बॉक्स लिया है उसमें प्लास्टिक लगाया है और आप देख लीजिए कि मैंने वही रोल की जो समोसे की पट्टियों की जो पैकेट थे ना उन्हीं को मैंने बीच में लाइनिंग के लिए भी यूज़ कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप चीज़ों को री कर सकें और ये डब्बा जो है वो मेरी फ्रेंड ने मुझे पाकिस्तान में समोसे बना के दिए थे तो इस डब्बे में पैक करके दिए थे तो अब आप देखें कितना मज़ेदार और कन्वीनियंट किस्म का डब्बा है इतने सारे समोसे आप बीच में बटर पेपर लगाते जाएँ और समोसों की लेयर बना के इसको अच्छी तरह से बंद करके रखें तो समोसे बड़े अच्छे से जो हैं वो सेफ़ रहते हैं एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं और यहाँ पे देख लीजिए कि शामी का बाप भी फ्रीज हो गए हैं मेरी एक फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसके बच्चे यहाँ पर हैं मैंने सोचा था कि इफ्तारी का कुछ सामान जो है मैं उनके साथ शेयर करूँगी ये देखें कितनी प्यारी चिट लगाई है हमने उनके लिए तो ये सब चीज़ों में से जो है वो उनका हिस्सा निकाला जा रहा है और हम उनको भी भेजेंगे और अपने लिए जो है वो आधा सामान रखेंगे और आधा सामान उन बच्चों को भेजेंगे ताकि उनकी अफ्तारी और सहरी जो है वो बहुत आराम से हो सके क्योंकि रोज़ रोज़ किसी को अफतार देना या उन लोगों का पढ़ने वाले बच्चों का आपके पास आना पॉसिबल नहीं होता तो जितना आप अपनी बसात में किसी के लिए हेल्प कर सकते हैं ज़रूर करें तो अल्लाह ताली आपको इसके लिए बहुत नवाजेंगे इन शाला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो दिन की मेहनत जो है वो अपने ख़ताम को पहुंची और हमने जो है फाइनली चीज़ें उसके ठिकाने पे पहुंचाई उसके बाद जो है हमारे बच्चों को एक जगह पे ड्रॉप ऑफ करना था तो बस मेरे मियाँ ने मुझे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किया कि चलो चलो तो मैं नान खिलाऊँगा तुम बच्चों को छोड़ने मेरे साथ बैठ जाओ उन्हें पता था कि ये तो अपनी जगह से हिलने के मूड में नहीं है लेकिन बस कोई आपको नान का लालच दे तो आप कैसे बैठ सकते हैं अब आप बताएं ना कैसे हो सकता है तो बस गर्मा गर्म नान के लालच में मैं बैठ गई और बस वहाँ पे पहुँचे ज़बरदस्त किस्म का तंदूरी कीमे वाला नान था उसके साथ मैंगो लस्सी थी और मेरा पूरा मूड था इस फुल नान को ख़त्म करने का लेकिन मैंने सुन लिया कि मेरे मियाँ साहब ने एक प्लान बनाया कि अपने दोस्तों के पास जाएंगे अब वो जो दोस्त हैं ना वो मेरे बड़े ही प्यारी दोस्त भी हैं तो मैंने सोचा कि अब इस नान को पूरा ना खाया जाए तो मैंने सिर्फ एक क्वार्टर खाया बच्चों को जो है वो वहाँ पे ड्रॉप किया जहाँ ड्रॉप करना था मुझे किसी ने मैसेज किया कि पिछली दफ़ा आप तूफ़ान में फंसे तो आपने बच्चों को डांटा नहीं तो यार अब क्या डांटते अब फंस तो गए थे तो अल्लाह ताला ने निकाल भी लिया तो क्या फ़ायदा डांटने का और बच्चे खुद ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से फ़ील करते हैं तो ना डांटा करें बच्चों को चलता है और जी बस जिनके पास हम जा रहे थे वैसे तो मुझे पता था कि उन्होंने हालांकि हम बिन बुलाए बग़ैर अतला के बस आखिरी मोमेंट पे बता के उनके घर जा रहे हैं लेकिन वो बहुत इंतज़ाम करने वाली खातून है लेकिन होता ही है कि आप किसी के घर इस तरह से अचानक जा रहे हो तो खाली हाथ कभी ना जाएँ जो आपके घर में पका हुआ है जो आपके पास है थोड़ा बहुत ज़रूर ले कर ताकि दूसरे पर बोझ ना पड़े लेकिन माशाला माशा मेरी जो दोस्त हैं अल्लाह ताली उनके रिस्क में बरकत दे उनको हिम्मत ताकत दे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे ख़ातूनः खाना ने किस कदर एहतमाम किया है और ये तमाम चीज़ें होम मेड है यानी कि ये कुकीज़ भी उसी वक्त बनी है पेटीज भी उसी वक्त बने हैं छोले भी उसी वक्त बने हैं तो जो बाहर की चीज़ ये पिज्ज़ा है वो आपको नज़र आ ही रहा है तो उन्होंने जो घर में खाना पकाया था वो भी सामने रख दिया तो बस देखें दोस्त हों तो ऐसे हालांकि मैं नान खा के पहुंची थी शुक्र है कि वो पूरा नान नहीं था लेकिन उसके बावजूद ये सब खाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और उसकी मुझे अभी तक बहुत दिल में जो है ना वो ख़राब फीलिंग है और स्पेशली वीडियो देख के तो बहुत हो रही है कि ओ हो मैंने तो ये भी नहीं खाया मैंने तो वो भी नहीं खाया तो पिज्ज़ा बेचारा तो कोने में पड़ा सूखता ही रहा उसको किसी ने मुँह ही नहीं लगाया लिफ्ट ही नहीं लगी दी उसको किसी ने क्योंकि इतना अच्छा खाना और इतनी ज़बरदस्त किस्म की चाय वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी तो अल्लाह ताला हमारे दोस्तों को हमेशा खुश आबाद रखे आपस में ताल्लुक अच्छी तरह से बना के रखें हम लोग और ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों से अपने प्यारों से और अपने दोस्तों से बल्कि इर्द गिर्द रहने वाले सब लोगों के साथ हंसने सलूक करें अल्लाह ताला आसानियाँ दें फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में हाफिज़